क्या आप जानते हैं कि जापानी लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि फैक्ट्री की छत पर गोल छतरी क्यों बनी होती है? और क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रेड को डबल रोटी क्यों कहा जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि पायलट हमेशा अपने साथ काले रंग का बैग क्यों रखते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि भारत में कुछ राज्यों और इलाकों में ब्रेड को डबल रोटी कहा जाता है, जबकि 80 से 90 के दशक में डबल रोटी बोलने का चलन काफी ज्यादा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेड को डबल रोटी क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसकी असल वजह अंग्रेज है। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके लिए यहाँ का खान पान बहुत अलग और हैवी होता था। वो लोग अपने साथ ब्रेड लेकर आए थे जिसे सैंडविच बनाकर खाया जाता था। इस सैंडविच में चिकन और सब्जियां भरी होती थी, जबकि बाहर के दोनों हिस्सों को ब्रेड से कवर किया जाता था। इसलिए उस सैंडविच को डबल रोटी नाम दिया गया था, जिसमें डबल अंग्रेजी और रोटी हिंदी का मिला जुला शब्द है। भारतीय सैंडविच को डबल रोटी कहते थे, जिसकी बाद में अलग अलग वेराइटीज को मार्केट में पेश किया गया था। हालांकि बीते वक्त के साथ भारत में आम लोग ब्रेड के सिंगल पीस के लिए भी डबल रोटी शब्द का यूज करने लगे थे, लेकिन अब इस शब्द का प्रचलन काफी कम हो गया है और कुछ चुनिंदा जगहों पर ही लोग ब्रेड को डबल रोटी के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर टू, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अहम माना जाता है, जबकि इस दिन चावल को खाने की मनाही होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ शक्ति को एक बार किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आ गया था, जबकि उनके गुस्से के प्रकोप से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था और उनका अंश धरती में समा गया था। महर्षि मेधा के अंश जमीन से धान यानी चावल के रूप में उत्पन्न हुए थे, जबकि उस दिन एकादशी थी। यही वजह है कि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान चावल के रूप में महर्षि मेधा के मांस को खा रहा है। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन चावल खाने वाले व्यक्ति से देवता नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि नहीं आती है। फैक्ट नंबर थ्री, भारत में किसी भी फैक्ट्री, वेयरहाउस या रेलवे स्टेशन की छत पर एक खास तरह की गोल छतरी लगी होती है, जिसे टर्बो वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है। ये नए डिजाइन का वेंटिलेटर होता है, जो कमरे के अंदर से गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है और इससे कमरे का तापमान ठंडा हो जाता है। फैक्ट्री और वेयरहाउस जैसी जगहों पर काफी ज्यादा मजदूर काम करते हैं, जबकि फैक्ट्री के अंदर का तापमान बहुत ही गर्म होता है। फैक्ट्री और वेयरहाउस की छत पर ये गोल वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, ताकि अंदर से गर्म हवा को बाहर निकाला जा सके। वहीं इन वेंटिलेटर्स को गोल आकार इसलिए दिया जाता है ताकि बारिश के पानी को वेंटिलेटर के अंदर घुसने से बचाया जा सके। ये वेंटिलेटर धीमी गति से घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेटर के अंदर नमी नहीं बनती है और फैक्ट्री के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। वहीं बरसात के मौसम में सामान्य वेंटिलेटर के अंदर नमी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर सही से काम नहीं करता है और फैक्ट्री के अंदर तापमान बढ़ने की वजह से मजदूरों को काम करने में दिक्कत होती है। फैक्ट नंबर फोर, जापान में युवा लड़के बहुत ही फैशनेबल होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी लड़का दाढ़ी रखने के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। दरअसल जापान के लोग दाढ़ी को अशुद्धि के साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है और दाढ़ी में कई तरह के बैक्टीरिया भी इकट्ठा होते रहते हैं। दाढ़ी को पुरुषों की खूबसूरती और सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से जापान के लड़के दाढ़ी नहीं रखते हैं। इसके अलावा एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जापान के लोगों में एक खास तरह का जीन पाया जाता है, जो त्वचा में कम बाल उगने के लिए जिम्मेदार होता है। जापानी पुरुषों के चेहरे पर कभी भी इतने बाल उगते ही नहीं हैं जिन्हें दाढ़ी का शेप दिया जा सके। सांस्कृतिक और साइंटिफिक वजह को ध्यान में रखते हुए जापान के लड़के क्लीन शेप रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, हवाई जहाज को उड़ाने की ड्यूटी पायलट की होती है, जो अपने साथ एक काले रंग का बैग रखते हैं। इस बैग में पायलट का पासपोर्ट, फ्लाइंग लाइसेंस और एयरपोर्ट आईडी समेत कई जरूरी दस्तावेज होते हैं, जिनको साथ लिए बिना पायलट हवाई जहाज को नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा पायलट के बैग में इमरजेंसी के लिए कुछ जरूरी सामान होता है, जिसमें जैकेट, टॉर्च और मोबाइल फोन शामिल है। इसके अलावा काले रंग के बैग में मैनुअल गाइड, नेविगेशन चार्ट और आईपैड होता है, जिसका यूज आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। पायलट इस काले रंग के बैग को अपने साथ कॉकपिट में लेकर जाते हैं, जबकि इसका साइज काफी छोटा और सुविधाजनक होता है। अगर पायलट के पास ये बैग नहीं होता है तो एयरलाइंस कंपनी उसे ड्यूटी करने और प्लेन उड़ाने से रोक सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।